अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? उम्मीद है सारे मेरे भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप भाइयों के परिंदे भी अच्छे होंगे। अब भाइयों कबूतरों को दाना डालने आया हुआ हूँ, तो सबसे पहले इनको चिकनावर डाला हुआ है। ये मेरी माशाल्लाह फीमेल की स्क्वाड है और ये सारी फीमेल्स हैं। इनकी पर पटाई जो रिमेनिंग रह गई थी मैंने सब कर दी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो दुम और बाकी पर वर जितने जो निकालने के थे सब मैंने निकाल दिए। ठीक है, कुछ पर इनके आ रहे हैं अभी, इनमें कच्चे थे ये मैंने छोड़ दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि इनको भी खींचा जाए। जो जो मैं ज़रूरी समझ रहा था वो सब मैंने निकाल दिए, बाकी जो मुझे ज़रूरी नहीं लग रहे थे नए हैं तो वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि इनके पांच पांच पर जैसे आपको पता है मैंने पहले निकाल दिए थे। तो ये जो भी इनके पर आ रहे हैं उनके साथ जो है ना पक्के हो जाएंगे, बकाया इनके पर और दुम इंशाल्लाह आती रहेगी, उन पर इतना ख़ास टाइम नहीं लगता। तो उस बार मैंने इनके कुछ जो है ना बगलों के ऊपर के पतली परियां वरियां सब खींचे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। दुम के ऊपर भी ऐसे ही किया जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो कुछ पुराना कलर मेरा लगा हुआ था और इस बार मेरा प्रोग्राम है कलर चेंज करने का। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इनके जो है ना ये बाकी भी सारे परवर निकाल दिए हैं, जो कलर वाले थे वो भी सब निकाल दिए हैं। ये जो है ना ये फीमेल ये लटक गई है, इसको हमेशा से ही पंगा है, लेकिन इसकी कलियां हैं दो दो तीन तीन, तो उतना मसला नहीं है। बाकी जैसे ये कबूतर है अब इनकी बाकी पटियाँ, इनकी कलियां वलियां बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अभी ऐसी हमाकत वाली हरकत कर भी नहीं रही। तो ये है कि इनको दाना जो है अभी ट्रे में नहीं दे रहा, चिकनाव जो है ज़मीन पे दे रहा हूँ बाहर, यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने अभी सारा साफ़ किया, सफाई करके फिर चिकनाव डालता हूँ, और फिर इसके बाद फिर अभी अभी खा लेंगी, अंदर जाएंगी, फिर इनको उनका दाना डालेंगे, मिक्स दाना थोड़ा सा ही खाएंगी, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में इनको मैं चिकनाव दे रहा हूँ। तो जिसमें जो है तिल है, सफ़ेद तिल है, अभी काले तिल नहीं दिए, काले तिल एंड में दूंगा इनको जब पर बाहर आ जाएंगे अच्छे खासे। अभी वाइट तिल है, सरसों है, अलसी है, तो ये एक बारीक दाना है तेल वाला, ये पहले डलेगा तकरीबन एक मुट्ठी, और उसके बाद इंशाल्लाह इनको एक मुट्ठी बाजरा डलेगा। जब वो खा लेंगी उसके बाद इंशाल्लाह इनको मिक्स दाना डलेगा जिसमें बाजरा ऐड नहीं है, उसमें मैंने बाजरा ऐड नहीं किया हुआ, जिसमें चने, गंदम और सूरजमुखी के बीज, खुरतम, तो ये मोटे दाने हैं सारे। तो दाने मैंने सब अलग अलग बर्तन में रखे हुए, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में नेक्स्ट। तो अभी आजकल जो है इनकी इस हिसाब से तैयारी चल रही है, यानी कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देनी है इनको। और अभी इनको मैं पानी जो दे रहा हूँ उसके अंदर जो है एक दो दिन तक मैंने इनको पैनाडोल और एक और पेन किलर मेडिसिन है वो दे रहा था मिक्स करके, तो आज से इनको नहीं दूंगा। माशाल्लाह कबूतरियाँ सेट हैं, कल थोड़ा फिर भी दाना इन्होंने कम खाया था लेकिन आज सेट हैं, सही खा रही हैं। और एक चीज़ और जो यहाँ पर आपको बतानी थी वो ये थी कि ये वो चपड़ी पट्टी है जिसको मैं नर समझ रहा था, ये फ़ीमेल निकली थी, तो लास्ट जो मेरी वीडियो अपलोड हुई उसमें ये उड़ रही थी। ठीक है, और माशाल्लाह रात को बैठी थी बड़ा अच्छा उड़ के, तो ये भी तकरीबन सात पर में थी, मैंने इसको खींच दिया। ठीक है, वैसे मैं पट्टे खींच नहीं रहा था, इसको भी मैंने पर पटाई कर दी इसकी, और इसके साथ एक और वाइट पट्टी थी वो भी सात पर की है, तो वो भी मैंने खींच दी। तो इनके पांच पांच पर पहले नहीं खींचे, इनको भी मैंने खींचे फुल एंड फाइनल। ठीक है, इसकी दुम में कुछ पत्ते ना आए थे वो मैंने छोड़ दिए जैसे आपको नज़र आ रहा है चपड़ी की, और एक वाइट है यहाँ पर, ये थी नहीं ये वाली नहीं है बल्कि वो सामने खड़ी हुई है, देखें ये सामने खड़ी हुई है ये वाली, ये इसकी दुम में नए पत्ते और एक दो कलियाँ नहीं आ रही हैं। ये पट्टी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रवास कर रहे थे, तो ये दो मादियाँ मैंने और खींच दी। एक मादी यहाँ से ये आपको दिखाऊँ, ये सामने देखें एक अंडा पड़ा हुआ है, ये भी अंडे दे रही हैं भाई, लेकिन अब इंशाल्लाह परपटाई ये तो उनके था पेट में, अब इनकी परपटाई हो चुकी है फुल एंड फाइनल, तो इंशाल्लाह अब आगे जो है ना ये अंडे वंडे नहीं देंगी कुछ टाइम तक। ठीक है, जब तक इनके परवर नहीं आते फिर इनको वैसे ही मैं चेंज कर दूंगा, आगे पीछे घुमाता रहूँगा, कभी इस केज में कभी उस केज में, ताकि ये एक कोई जगह पकड़े ही ना दो फीमेल एक साथ। तो इस तरीके से कोई सेटिंग करनी है इनकी। बाकी माशाल्लाह से सारी फीमेल्स बिल्कुल फिट फाट एक्टिव है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, और अभी तक तो अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है, आगे भी अल्लाह करम अपना बनाए रखे और हमें और हमारे परिंदों को सलामत रखे इंशाल्लाह अल्लाह ने किया, तो फिर मज़ेदार शौक होगा। बंदा घर से पूरा हो तो फिर अच्छा शौक होता है,
घर की परेशानियों में हो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वन मैन शो चल रहा होता है। अब अपने पास ना तो कोई दूसरा बंदा है, हमने जो करना है सब कुछ खुद ही करना है, ठीक है, दाना भी खुद डालना है, अगर कहीं लेट हो गए उस दिन ये बेचारे मुतासर भी हो जाते। तो अभी इनकी जो चिकनाव की मैंने रूटीन रखी हुई है, वो रूटीन ये है कि 2 दिन छोड़ के एक दिन, हर 2 दिन छोड़ के एक दिन इनको चिकनाव दे रहा हूँ, और इसी तरीके से चलाऊँगा अभी। फिर आगे अकॉर्डिंग टू वेदर हम इसको अप डाउन करते रहेंगे, चेंजेस भी लाते रहेंगे इसके अंदर। और अभी जो चिकनाव है इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, इंशाल्लाह वो मैं जब बनाऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा। तो ये भी मादियाँ माशाल्लाह से खा रही हैं, और इसी बहाने इनकी वॉक हो जाती है, बाहर डालने का मकसद ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा वॉक कराना भी इनको बहुत ज़रूरी है। अब असूली तौर पर अगर देखा जाए तो जिस भाई के पास टाइम है तो चिकनाव सुबह में देना चाहिए। अगर आप दाना रात को शाम को मगरिब की अजानों के साथ दाना कबूतर को दे रहे हैं तो कबूतर सुबह 9-10 बजे खाली होगा, तो सुबह 9-10 बजे के टाइम आप कबूतरों को चिकनाव डालें। लेकिन अपने पास सुबह में टाइम नहीं है तो हम रात में ही देते हैं। भाई मैं तो रात में देता हूँ, वैसे ये नहीं देना चाहिए असूलन, लेकिन टाइम की जो है ना किल्लत की वजह से और अकेले होने की वजह से मैं एक ही टाइम इनको जो टाइम देता हूँ वो रात का ही टाइम होता है। सुबह मैं सिर्फ पानी दिखाता हूँ उनको, ठीक है, पानी वानी घुमा देता हूँ, उसके बाद दाना एक ही टाइम देता हूँ रात को। तो सुबह में कोई इनको कुछ भी नहीं मिलता, सुबह ये बस पानी वानी पी के गुजारा करती हैं, और इस टाइम इनको चिकनाव बाजरा हर चीज़ मिल जाती है, जो इन अच्छे से अच्छा दाना मिलता है इनको, ताकि अगर पूरा दिन नहीं भी मिलता ना तो कबूतरों की बॉडी पर कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। तो ये अपनी माशाल्लाह से सारी फीमेल की फील्ड है, और इंशाल्लाह इसके बाद नरों को डालूंगा, अभी नरों के हिस्से का रखा हुआ, थोड़ा सा बच्चों को भी डाल दूंगा अगर बच जाएगा तो इस तरीके से चला रहे हैं अपने परिंदों को, और बड़ा केयर के साथ चलना पड़ता है। अभी जिस पोजीशन पे कबूतर है ना, तकरीबन इनके ऊपर 20 से 25 दिन तो बड़ा ही केयर करनी पड़ती है। 20-25 दिन के बाद इनके परवर निकल आते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, फिर इतनी टेंशन नहीं होती आपको। तो अभी जो है इनका बड़ा ख्याल करना होता है। नए नए पर पटाई हुई, आज इनका दूसरा दिन है, ठीक है, तो दूसरा दिन है इनका पर पटाई हुए हुए, और इसी तरीके से मेल्स भी हैं। अच्छा, सुबह मैं पानी पिलाने आया था तो एक मेल के ना एक साइड के मैंने बगल के पर खींचे थे, और एक साइड के कहीं वो रह गए, पता नहीं मुझे मिस हो गया क्या हुआ, हाथ से छूट गया, तो उसकी भी अभी आज पर पटाई कर दूंगा। ये वो फीमेल है पट्टी जो मैंने अभी खींची है ना, ये मेरी माशाल्लाह से ये है तिलकटी पट्टी, और बहुत ज़बरदस्त, इसकी आँख भी बहुत खूबसूरत है, और ये माशाल्लाह से मेरे जोड़े की पट्टी है, 2 बच्चे ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, और इसके नीचे पल रहे हैं, और इसके बाद के भी काफ़ी बच्चे थे जो मैंने कुछ दोस्तों यारों को दे दिए आगे पीछे। तो खैर, इसके भी एक ये पट्टी है, इसके साथ का जो पट्टा है वो मैंने नहीं खींचा, क्योंकि मादियों के ऊपर मेरा फोकस होता है, मादियाँ ही माशाल्लाह अपनी मादियाँ ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू नर मेल्स, तो मादियों की क्वान्टिटी थोड़ी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने 2 और खींच दी इजाफी। और एक है उसके कुंदे उंदे में कोई फॉल्ट आया है, यहाँ से मैंने हटा के वो वहाँ बच्चों के खाने में शिफ्ट किए, उसकी पर पटाई नहीं की मैंने, उसके जो 5-5 पर खींचे थे वही खींचे हुए, तो 2-4 दिन देंगे उसको, जैसे सेट होगी उसकी भी पर पटाई कर देंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी मादा है वो, डबल आंख वाली उड़ी हुई मेरी बहुत प्यारी, वो तकरीबन उसका 2रा साल है, 2 साल पट्टी है, और यहाँ तो मोस्टली ज़्यादातर नाई हैं, इसी साल के भी ज़्यादातर बच्चे हैं, इसमें कोई 2-4 मादियाँ होंगी पुरानी, बाकी सारी नई फील्ड है पूरी। तो अभी ये चिकनाव खा चुकी है माशाल्लाह, अपने हिस्से का बिल्कुल देख सकते हैं आप, फर्श पर साफ़ सुथरा कर दिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रैपर से इसको ये कचरा मचरा उठा के, और फिर मेल्स को खोलूँगा और इनको भी बाजरा डालता हूँ अंदर, ताना बाकी जो भी देना है इनको। तो ये था छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने कहा चलो आप भाइयों के साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ माशाल्लाह से अपने परिंदों की सिचुएशन। और पर पटाई के बाद मैं अकेला ही होता हूँ तो भाई वीडियो नहीं बना सका उस वक्त, और आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, किसी भाई ने पर पटाई की है जिसने कबूतरों को, भाई कोई पर बॉडी पे छोड़ा ही नहीं है, तो यार ये बड़ा जुल्म है भाई, जुल्म तो ये भी है जो हम करते हैं, बहरहाल ये पार्ट है इस गेम का, ठीक है, इस मरहले से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या करें भाई, लेकिन अब इतनी भी अंधी नहीं हो रही कि यार आप बिल्कुल ही गंजा वंजा कर दें, तो अल्लाह पाक ऐसे भाइयों को हिदायत दे। और कबूतरों के पर खींचते वक्त भाई बड़ा एहतियात किया करें, एक एक पर को सिंगली निकाला करें, जिस तरफ उस पर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उस पर को खींचना चाहिए, अगर पर आप देख रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन कर्व पर है तो उसको उसी तरीके से खींचें स्ट्रेट, ये ना हो कि आप यहाँ रखा हुआ कबूतर को यूं पर को यूं खींच रहे हो, जिस पर का रुख यूं हो ये आप देख सकते हैं इस तरफ हो, उसको इसी तरीके से आप खींचेंगे,
और जो इस तरफ कर्व हो रहा हो उसको इसी तरीके से खींचे, ठीक है, ताकि उसका जो जहाँ से पर आता है वो होल ख़राब भी नहीं होगा और पर भी अच्छा आएगा। तो माशाल्लाह अपने कबूतरों के पर मैंने बड़ा देखभाल समझदारी के साथ, अकेला था मुझे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे इनके पर पढ़ाई करने में, ठीक है ना। तो बड़ी देख समझ के समझदारी के साथ मैंने निकाला, फिर भी 1-2 कबूतरों के पर मुझसे निकल गए कच्चे, जो जिनमें ब्लड था, 1-2 मेल्स के और 1 फीमेल के, लेकिन दुम में निकले, परों में नहीं निकले। परों में आप देख सकते हैं कि मैंने छोड़ दिए जो भी मुझे नज़र आए, वो भी पता नहीं कैसे निकल गए बाय मिस्टेकली, हालांकि बड़ा ध्यान से मैं कर रहा था, लेकिन खैर थोड़ा बहुत हो जाता है भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनकी खुराक अच्छी रखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने करेगा तो सारे परवर इनके कम्प्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर इजाज़त चाहता हूँ, आप भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को थोड़ा प्रमोट करें भाई, इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। इंशाल्लाह आगे शौक होगा वो भी आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। दूसरी छतों पर भी विजिट करूँगा मैं, मेरा छोटा भाई आ जाए तो फिर कबूतरों को वो संभाल लेगा, तो फिर अपने को घूमने फिरने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।